नमस्कार, आपके चैनल सिंप्लीफाई योर स्पेस पर आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे घर का माइल्ड रेनोवेशन शुरू होने वाला है। इसमें सिविल वर्क जैसे कि बाथरूम टाइल्स और यूटिलिटी एरिया में कुछ बदलाव सम्मिलित हैं। शुरुआती इंटीरियर्स के दौरान बाथरूम्स में हमने टाइल्स या फिटिंग्स में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन बिल्डर से मिली चीजें अब अपनी एज शो कर रही थी, मतलब कि लीकेजेस एंड ज्यादा रखरखाव। हम कुछ महीनों के लिए एक रेंटेड घर पर शिफ्ट हो गए हैं और रेंटेड घर को अपना घर बनाने की मशक्कत जारी है। और सबसे पहला कार्य मैंने स्टार्ट किया किचन से। किचन की डीप क्लीनिंग बहुत जरूरी थी शिफ्ट होने से पहले, क्योंकि घर की ये एक जगह होती है जो सबसे पहले आपको सेट करनी होती है, ताकि शिफ्टिंग के दौरान आपका खाना पीना आराम से चलता रहे। तो मैं आ गई अपना क्लीनिंग किट लेकर। इस किचन की डीप क्लीनिंग मैं वूकी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के साथ करने वाली हूँ, एंड दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद वूकी। वूकी प्रोडक्ट्स आर केयरफुली कंपोज्ड विद हैंडपिक्ड इको फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर सेफ, स्किन फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल। दे हैव अ ग्रेट रेंज ऑफ हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लाइक फ्लोर क्लीनर, इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स क्लीनर, ग्लास क्लीनर, टफ लाइन स्केल स्प्रे, नेचर पावर्ड डिश वॉश एटसेट्रा। Now let's start the cleaning. Shifting से पहले ये किचन काफी गंदी थी। जगह जगह पर चिकनाई के दाग लगे हुए थे, टाइल्स में बहुत गंदगी जमी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत इसी से करी। वूकी के हार्ड स्टेन स्प्रे की मदद से मैंने टाइल्स, कबर्ड, शेल्स सभी की अच्छे से डीप क्लीनिंग शुरू कर दी। हार्ड स्टेन स्प्रे को सब जगह स्प्रे करके अच्छे से स्क्रब कर दिया और सारे दाग और चिकनाई आराम से निकल गए। स्विच बोर्ड्स भी बहुत ही गंदे थे और उनमें बहुत गंदगी जमी हुई थी। वूकी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्लीनर को मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ में स्प्रे करके सभी इलेक्ट्रिकल स्विचेस को साफ कर दिया। थोड़ी स्क्रबिंग भी करनी पड़ी क्योंकि गंदगी बहुत टाइम से जमी हुई थी स्विच बोर्ड्स पर। किचन सिंक एंड टैप को भी अच्छे से स्क्रब करके मैंने साफ कर दिया। किचन में शाइनी सिंक को देखने का एक अलग ही मजा होता है। पहले दिन मैं इतनी ही सफाई कर पाई और बाकी की सफाई मैंने नेक्स्ट डे से शुरू करी। टाइल्स में सेल्फ एडेसिव हुक्स लगे हुए थे, उन्हें निकालने के बाद डबल टेप के स्टिकी रेजिड्यूज रह गए थे, जिसे कि मैंने हार्ड स्टेन स्प्रे करके और थोड़ा स्क्रब करके निकाल दिया। अब टाइल्स एकदम साफ हो गई। किचन कबर्ड्स में जगह जगह पर व्हाइट वॉश के स्टेन्स लगे हुए थे, जिन्हें मैंने सेम हार्ड स्टेन स्प्रे करके क्लीन कर दिया। अब सिंक में मैंने गुनगुना पानी लेकर थोड़ा सा सोप ऐड कर लिया। किचन के एग्जॉस्ट फैन बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, लग रहा था कि सालों से क्लीन ही नहीं हुई। डर्ट एंड ग्राइंड से सना हुआ था एग्जॉस्ट फैन। मैंने इसके ऊपर का फ्रेम निकालकर इसे गुनगुने पानी और सोप के सॉल्यूशन में 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके रख दिया। सेम ही हाल चिमनी पाइप का भी था, क्योंकि किचन कैबिनेट के ऊपर से गुजर रही थी तो देखने में बहुत ही बुरी लग रही थी। डर्ट एंड ग्राइंड बुरी तरीके से चिपके हुए थे। यहां भी हार्ड स्टेन स्प्रे कर दिया और स्क्रबिंग ब्रश एंड स्पॉन्ज पैड लेकर चिमनी पाइप को अच्छे से क्लीन कर दिया। चिमनी पाइप साफ करने के बाद मैंने एग्जॉस्ट फैन को भी सेम ही स्प्रे से अच्छे से क्लीन कर दिया। एग्जॉस्ट फैन का फ्रेम सॉल्यूशन में डिप्ड होने की वजह से आराम से स्क्रब करके क्लीन हो गया। वाह, एग्जॉस्ट फैन और चिमनी पाइप एकदम बढ़िया चमक गए। पिछले
पिछले ही दिन मैंने वाटर फिल्टर और कुकटॉप यहाँ लगवा लिया था। ये मेरा 10 साल पुराना कुकटॉप है जिसे कि मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि ये स्टोरेज में पड़ा हुआ था, इसकी डीप क्लीनिंग भी बहुत जरूरी थी। कुकटॉप के सारे बर्नर्स एंड स्टैंड्स को निकालकर मैंने इन पर हार्ट स्टेन सॉल्यूशन स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। कुकटॉप पर लगे स्टील प्लेट्स में बहुत पुरानी गंदगी जमी हुई थी जिसे कि मेटल ब्रश से स्क्रब करके निकालनी पड़ी। गैस को जब भी साफ करें नॉब्स को जरूर निकालें, यहाँ भी बहुत गंदगी जमा हो जाती है, फूड रेजिड्यूज चिपके हुए मिलते हैं यहाँ पर। गैस साफ होने के बाद मैंने बर्नर्स को भी अच्छे से स्क्रब करके साफ कर दिया, सारे नॉब्स को भी मेटल ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लिया। अब कुकटॉप भी अच्छे से साफ हो गया और रेडी है मील्स प्रिपरेशन के लिए। काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए मैंने एक मग में वाटर एंड वूकी फ्लोर एंड सरफेस क्लीनर का सॉल्यूशन बनाकर स्प्रे बॉटल में डाल लिया है। पूरे काउंटर टॉप में मैंने इसे अच्छे से स्प्रे कर दिया है और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप कर दिया। इसके बाद मैंने किचन का फ्लोर अच्छे से वैक्यूम कर दिया है और वैक्यूम के बाद अच्छे से फ्लोर को मॉप भी कर दिया। किचन एकदम चमक गया है और बिल्कुल रेडी है हमें सर्व करने के लिए। किचन के पीछे एक यूटिलिटी एरिया है जहां पर ये एक सिंक है। इसके ग्रेनाइट काउंटर टॉप पर बहुत ज्यादा लाइम स्केल डिपॉजिट्स थे। मोस्टली इन्हें रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के बिना ये जाते भी नहीं। इसे रिमूव करने के लिए मैंने वूकी का टफ लाइम स्केल स्प्रे प्लस स्क्रब यूज किया है, जिसमें है DAC टेक्नोलॉजी जो कि सरफेस से स्केल को सेपरेट करता है और रीडिपॉजिट होने से बचाता है। इसे लाइम स्केल डिपॉजिट पर अच्छे से स्प्रे करना होता है और 30-60 सेकेंड्स के लिए छोड़ना होता है ताकि वे अपना काम शुरू कर सके। 1 मिनट हो गया है और अब हम इसे अच्छे से स्क्रब करेंगे। इसमें हार्ड केमिकल्स की तरह एसिडिक फ्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है एंड ये परफेक्टली सेफ है सरफेस एंड स्किन के लिए। अब मैंने इसे अच्छे से वॉश करके वाइप कर दिया। अमेजिंग, काफी हद तक लाइम स्केल डिपॉजिट्स चले गए हैं। एक दो बार और क्लीन करूंगी तो पूरे गायब हो जाएंगे। इसी के साथ मेरे किचन की डीप क्लीनिंग हो गई। इसे मैंने अपनी और अपनी फैमिली के मुताबिक अरेंज कर लिया। ये किचन नॉन मॉड्यूलर है और बैक साइड में अपर कैबिनेट्स भी नहीं है, तो सामान को ठीक से रखने के लिए डिफिकल्टीज तो आ ही रही हैं। अभी किचन मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। इस किचन की ऑर्गेनाइजेशन पर मैं एक अलग से वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी। अगर साफ सुथरा किचन हो तो इसमें काम करना आसान हो जाता है। हमारा भी रूटीन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। इस घर में हम ऑलमोस्ट 2-3 महीने रहने वाले हैं, तो इसे अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाना तो जरूरी ही था। अभी घर मैंने अरेंज कर दिया है ताकि हमारे रूटीन में कोई डिफिकल्टीज ना आए। ऑर्गेनाइजेशन मैं धीरे धीरे करती रहूंगी। किचन रूटीन में हमारा एक इंपॉर्टेंट चोर होता है डिशेस वॉश करना। वूकी नेचर पावर डिश वॉश एक ऑर्गेनिक डिश लिक्विड है जो कि 5 नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। सोपनट, ऑरेंज पील, लेमन ऑयल, टैमरिन एक्सट्रैक्ट एंड रॉक सॉल्ट। इसमें पावरफुल नेचुरल स्ट्रेन रिमूविंग प्रॉपर्टीज हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव और हार्मफुल केमिकल्स के। बर्तनों को अच्छे से क्लीन करता है और उनमें नेचुरल शाइन लाता है। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो कि स्किन को हाइड्रेटेड रखता है एंड ड्राई नहीं होने देता। वूकी के प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, www.wookie.in।
प्रोडक्ट एंड वेबसाइट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो ये था मेरा इस घर से पहला वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस घर से आप और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा सजेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम सिंपलीफाई योर स्पेस। बाय बाय।